Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. Finally back to home. Amazing restaurant na. Oof. और best part तो ये है कि घर के इतना नजदीक है, जब मन चाहे जा सकते हैं। ये सही है बेटा, लगता है मैंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा एक मिनट, ये लाइट वो बेस फार्म हाउस में? बड़ी अजीब बात है यार, यहाँ तो सालों से कोई नहीं रह रहा। हाँ। तो ये लाइट कौन मार रहा है? लगता है कोई हमें सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, पर क्या हो सकता है ये? चलो चल के देखते हैं। कुछ तो गलत है, हमें तुरंत अंदर जाकर देखना चाहिए। ये क्या, ऊपर कोई और बाहर से ताला लगा है? कुछ करिए ना प्लीज, हमें अंदर जाना चाहिए। हेलो, कोई है अंदर? कोई है ऊपर? इसको तोड़ना पड़ेगा लगता है। यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। हाँ, लेकिन हमें ऊपर जाके देखना चाहिए। हाँ, एक मिनट। हेलो, कोई है? हेलो, कोई है? कौन है ऊपर? नेहा, खोलो इसे जल्दी। अरे तुम्हारी ये हालत किसने की? कौन है तुम? मेरी मदद करो, वो मुझे मार देगा। तुम्हें यहाँ बंद किसने किया? कौन मार देगा तुम्हें? मार देगा वो मुझे मार देगा। घबराओ नहीं, पुलिस को बुलाना चाहिए हमें। टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी यहाँ से मुझे बाहर निकालो, वरना वो चलो 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 यहाँ से। चलो प्रेम, नहीं प्रेम, नहीं प्रेम, नहीं प्रेम, उसके हाथ में चाकू है। प्रेम, कौन हो तुम? कौन हो तुम? सर, हाँ, पूरा घर छान मान लिया सर, घर के अंदर कोई भी नहीं। अच्छा ठीक है, ये लो खोदो इसको। हाँ सर, खोदो खोदो। क्या सीखेगी? देखो देखो सर, मिलता है क्या सर? इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा था, मुझे पता था मुझे देखेंगे, काम पर लगा देंगे। गाइस यू एंजॉय, मैं देखता हूँ। मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ। क्या बात है सर? ये आपके पड़ोस वाले फार्म हाउस में एक पति पत्नी गायब है, और उनके बंगले में हमें एक दुपट्टा मिला है, खून से सना हुआ। खून से सना हुआ दुपट्टा? हाँ, यही पूछने आया था कि कल रात आपने यहाँ पे कुछ अजीब देखा या फिर कुछ सुना हो जो आपको अजीब लगा हो। नहीं सर, कल तो मैं था ही नहीं। एक्चुअली सर मैं यहाँ पर रहता नहीं, मैं बस आज ही आई हूँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। ठीक है, थैंक यू।
जरूरत पड़ी तो हम फिर परेशान करने आ जाएंगे। अभिजीत, वहां पे ना किसी ने कुछ देखा है ना कुछ सुना है, आज सुबह ही आए हैं सब। सर, लाश। नेहा मैडम, गला कट के मारा ऐसे? पर साहब, नेहा मैडम को कोई क्यों मारेगा? वो भी पता चल जाएगा। आपने आखिरी बार कब देखा था साहब को और मैम साहब को? साहब, कल शाम को 7 बजे जब मैं घर से जा रही थी। रात को ही हुआ होगा। तो इसका पति कहाँ है फिर? सर, हो सकता है नेहा को मार के भाग गया हो। नहीं नहीं मैडम, वो तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे नेहा मैडम को, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। कोई और बात है मैडम। लगता मैंने इस सैंडल का हील वहां सामने वाले बंगले में देखा। हेलो, कल रात नेहा यहाँ पे आई थी। मिस्टर राजेश, हमें आपकी पड़ोसी नेहा की लाश मिली है, बैकयार्ड में गड़ी हुई। क्या? लेकिन ऐसा हुआ है, और ये कैसे हुआ है इसका जवाब आप हम लोग कैसे बता सकते हैं सर? हम सब तो आज ही फार्म हाउस आए हैं। अच्छा, मतलब कल रात यहाँ पर कोई भी नहीं था? नहीं सर, और मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ, ये फार्म हाउस भी बंद ही रहता है। लेकिन हमारे पास पक्का सबूत है, कल रात नेहा यहीं पे थी और उसकी मौत यहीं हुई थी। हमें दरवाजे के पास खून के निशान मिले हैं और ये टूटा हुआ सैंडल जो उसने कल रात पहना था। खून? राजेश, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कैसे पता? और तुम सब मुझे क्यों पूछ रहे हो? ये तो लवीना की आवाज है। खाओ तो चाकू को लगता है। आखिरी बार अर्जुन को कब और किसने देखा था? सर, हम लोग के साथ लिविंग रूम में पार्टी कर रहा था, अचानक यहाँ कैसे आ गया? सर, ये 10 साल पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला है। कॉलेज में हुए मजाक पर छात्रा ने की आत्महत्या। मीरा नाम की एक लड़की ने पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। मतलब आप लोगों का ग्रुप पहले भी इस तरह के हादसे में शामिल था? नहीं नहीं, वो मैं तो थी नहीं। मीरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसकी मौत में मेरा कोई लेना देना नहीं है। हुआ क्या था? सर, हुआ यूं था कि हम सब ने मिलकर मीरा के साथ एक छोटा सा मजाक किया था, लेकिन उसने वो बात अपने दिल पे ले ली और
सुसाइड कर लिया। छोटा सा मजाक था वो। हाँ, तुम सबने मिलकर उसकी बेइज्जती की थी और सब बाद में वो वीडियो सारे कॉलेज में दिखा दी। सर, पर हम सबको नहीं पता था कि वो इस बात पर ऐसे रिएक्ट करेगी और आत्महत्या कर लेगी। जी सर, ये बहुत पुरानी बात है और वैसे भी इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। गलती नहीं थी? अभय, वो वीडियो पूरे कॉलेज में तुम ही ने फैलाया था। मैंने? मेरी कोई गलती नहीं थी। नहीं, गलती हम सबकी थी यार, लेकिन फंसे हम चारों, सस्पेंड हम चारों हुए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, कि मेरा करियर खत्म हो गया। तुम सबको तुम्हारे किए की सजा मिली, तुम सब इसी के लायक थे। अच्छा, तुमने हम सबको यहाँ पे मीरा की मौत का बदला लेने बुलाया है? पहले तुमने मेरे पति को मारा और अब तुम हम सबको मार देना चाहते हो? तुम मुझ पे उंगली उठाने से पहले ना धर्म से पूछ लो। आज भी यहाँ पर सब जानते हैं कि धर्म अब भी तुम्हें चाहता है। हो सकता है कि तुम्हें पाने के लिए उसने अर्जुन को रास्ते में से निकाल दियो। शेखर, क्या बकवास कर रहा है तू? लड़ो मत, हो सकता है हम सबकी जान खतरे में हो। अरे देखिए, आप लोग मेरे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सर, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, फिर गोली किसने चलाई होगी? सर, सबकी जान खतरे में सर, और खूनी कौन है हमें पता भी नहीं। सब लोग फैल जाओ। पंकज, मेन स्विच देखो, खूनी ने जानबूझ के बंद किया होगा। गोली किसने चलाई? मुझे नहीं पता। बाहर आओ। हाँ दोबारा। इसमें तो कुछ नहीं है। प्रिया, हाँ? किल अर्जुन, किल वीर, किसका नंबर आई है? हाँ? किसका नंबर आई है? सर, मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है, बस मैसेजेस आते थे और इस काम के पैसे भी मिल चुके हैं मुझे। किसका पर्स है?
रिशिमा का पर्स। क्यों किया ये सब? क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वीर और प्रिया का अफेयर है। प्रिया के पास में बहुत पैसे थे ना, और उन पैसों के लिए वीर मुझे छोड़ के प्रिया के साथ भाग जाना चाहता था। लेकिन मैं वीर को इतनी आसानी से नहीं माफ कर सकती थी, इसीलिए मैंने प्रिया को किडनैप करने का प्लान बनाया। और सारे पैसे, सारे जूलरी उसने कहाँ रखे हैं ना, वो जान लो। और पता चलते ही तुमने प्रिया को मरवा दिया। लेकिन तुमने यहाँ के पड़ोसियों को क्यों मरवाया? उन लोगों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कुछ नहीं बिगाड़ा था सर, वो सब तो फालतू में मर गए। प्रिया की मदद करना चाहते थे ना, और वीर इसको तो मैंने मारने का बहुत अच्छा प्लान बनाया था। इतने सारे लोगों के बीच में अगर वो मर भी जाता तो किसी को शक नहीं होता ना कि मैंने उसको मारा है इसलिए। और ये नकली अभय, इसको अभय बना के क्यों लाई यहाँ पे? यही तो प्लान था सर, जब असली अभय मर चुका है और अगर नकली अभय गायब हो जाए तो सब इसी बात में उलझे रहेंगे ना कि खून किया तो आखिर किया किसने। वाह, तुम्हारे इस प्लान ने चार चार मासूम लोगों की जान ले ली। ऐसे जुर्म के लिए कानून में भी एक प्लान है, फांसी का। ले जाएंगे, चलो। अरे अरे, क्या 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 कर रहा है? अरे क्या हुआ सर? बहुत अच्छा हुआ सर, ये केस जल्दी से सॉल्व हो गया। तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो, ऐसी क्या बात? सर 23 तारीख आ रही है ना? तो अरे सर 23 तारीख को सोनी टीवी पर रात को 9 बजे कपिल शर्मा का शो आने वाला है सर, इसलिए अंदर की खुशी बाहर आ गई। ये बात तो है यार, कपिल का शो तो सारा देश इंतजार कर रहा है। हाँ सर, आपको पता है, आपको पता है पहला गेस्ट कौन है सर? शाहरुख खान। आई गॉट सो एक्साइटेड। ठीक है, तो 23 तारीख को आप सब लोग मेरे घर पर आ जाना, मैं खाने का इंतजाम भी कर दूंगी और हम सब मिलके कपिल का शो एंजॉय करेंगे। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।